राम राम दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब चैनल में आप सब भाई बहनों हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज गए 7 और अभी करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत, नए दिन, नई उम्मीद, नई किरण और नई आशा के साथ। और भगवान से आशा करते हैं कि आप सभी अपनी अपनी जगह स्वस्थ और मस्त हो गए और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, सुबह सुबह बकरियों को निकाल के मैं ले आया हूँ चराने के लिए। और सुबह सुबह थोड़ी देर, लगभग घंटे 2 घंटे ध्यान रखना पड़ता है और उसके बाद में तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो वैसे ही घर के आगे आके बैठ जाती है। और खेती बाड़ी हमने तो अभी तक की नहीं है क्योंकि बरसात नहीं है, और थोड़ी बहुत बरसात थी तो कुछ अड़ोस पड़ोस में 2-4 खेत जुताई की हुई है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बाद में ये अपने आप ही घर के आगे आके बैठ जाती है, तो ज़्यादा इनका ध्यान नहीं रखना पड़ता। और अभी तक बरसात तो होगी, पूरी रूप से खड़ाई होगी, उसके बाद में फिर परमानेंट ड्यूटी लगेगी, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं है। थोड़ा बहुत 2-4 खेत से उनसे इधर उधर टालना पड़ता है। तो दिन में और क्या काम होता है वो वीडियो में दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज तेज़, बहुत तेज़ आंधी चल रही है एकदम तूफान की तरह, और मैं ये नंदू और सौटी वाली झूमर चली गई थी किसी दूसरे के खेतों में, इनको लेके आ रहा हूँ। और अभी शाम के बजे 4, और आज मौसम बरसात वाला तो नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ आंधी चल रही है और आकाश में बादल छाए हुए हैं। पता नहीं कैसा रहेगा मौसम। अभी इनको लेकर पानी पिलाने का टाइम हो गया है, तो मैं लेके जा रहा हूँ पानी पिलाने का। तो दोस्तों, अभी शाम की बज गई 7 और नंदू वो बदमाशी कर रहा, देख किस प्रकार वो राख को उड़ा रहा है। वहाँ पर जो लकड़ियाँ जलाने के बाद में राख होती है उसको डाला हुआ है ना, तो वो भी खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। और बाकी बकरा बकरियाँ इधर खड़ी है, ये देख लीजिए, सभी शाम का समय हो गया था, अभी इनको भोजन देना है। और ये है हमारी गाय माता, ये देख लीजिए, और भैंस तो उधर अंदर बंधी हुई है, छोटे छोटे बकरी के बच्चे भी आ गए बाहर, और बकरियाँ खड़ी है। और अब वो इनको सारा वगैरह डाल के फिर बांध देंगे रात को, और सूर्य अस्त होने ही वाला, ये देख लीजिए, एकदम शाम का समय हो गया, 7 बजे, थोड़ा सा सूर्य बसा है। तो अभी मैं चलता हूँ वहाँ पर आटा पीसने के लिए, 2-3 दिन बाद में, 1-2 दिन बाद एक बार सखी चलानी पड़ती है, और इंजन वाली सखी है तो ऐसे ही शुरू करते हैं 2 दिन बाद ही। ये पानी का कुंडा भरा हुआ रख दिया किसी ने, अभी मैं बस चलता हूँ सखी पर और पीसूंगा आटा। खेत वाली पाइप निकाल के यहाँ रख दी, इसको भी दोबारा डालना है, और बाल्टी में पानी है या नहीं है डालना पड़ेगा, नहीं तो मशीन गर्म हो जाएगी। थोड़ा सा ही पानी है और डालना पड़ेगा। बाजरी वगैरह अनाज ला के डाला या नहीं डाला वो भी देखना पड़ेगा। हाँ, ये ला के रख दिया। तो चलिए दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल पर न्यू चैनल की सदस्यता लेके घंटी का बटन अवश्य दबा देना, तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलेंगे कल फिर एक न्यू व्लॉग के साथ। आप सभी को राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।